आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव एक दिवसीय दौरे पर नेपा नगर पहुंचे। नगर के स्थानीय राम मंदिर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। आयोजन में कांग्रेस के सारे प्रवक्ता अपना उद्बोधन दे रहे थे, लेकिन जब कांग्रेस के जिला प्रवक्ता प्रकाश सिंह बैस कार्यकर्ताओं को समझाइश दे रहे थे, तभी कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष किशोर महाजन ने कवरेज कर रहे पत्रकार को वीडियो बनाने से मना कर दिया। पत्रकार को आमंत्रित करने के बाद वीडियो बनाने से मना करने को लेकर एक बात तो साफ है कि कांग्रेस का आंतरिक कलह अब चरम पर है। वहीं कांग्रेस के अंदर जल्द सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो ऐसे में आगामी नगरपालिका चुनाव कांग्रेस के लिए काफी चुनौती भरा साबित हो सकता है। नेपा नगर में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी भी नजर आ रही है, जैसे कि पूर्व विधायक रघुनाथ चौधरी ने कांग्रेस कमेटी के नेपा नगर अध्यक्ष को भी समझाइश दे डाली कि आप पहले तो आपका बोलना सुधार ले, मित्रों वाली भाषा छोड़ दे। यहां तक कि पूर्व विधायक ने कह डाला। नेपा नगर से करण इंगले की रिपोर्ट। नेपा नगर के अंदर कांग्रेस के अंदर भी गुटबाजी नजर आ रही है। कोई गुटबाजी नहीं, सब एक है, तो बड़ा परिवार है, छोटी मोटी चलती रहती है, ठीक कर लेंगे। पूर्व विधायक रघुनाथ चौधरी जी ने अध्यक्ष मोदी को कहा कि आप मोदी जी की भाषा का उपयोग ना करें। तो हमारे बड़े हैं, उनका तो हम आदर्श है हमारे, उन्हें कुछ कहा तो उसको मना हम लोग करेंगे। चौथा स्तंभ मीडिया कहलाने वाली, जिनका कैमरा महाजन साहब जिला ग्रामीण अध्यक्ष ने रोका, क्या कहना? कुछ तो माफी मांगते भाई लोग आप लोगों से। चलो अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।